यार मेरा नाम है अलहलाल यशा। अब नाम बड़ा मुश्किल है, अल हलाल, अल हिलाल, हलाल, हलाल, हराम। भाई नहीं, अल हिलाल, ए एल एच आई एल ए एल स्पेस वाई ई एस एच ए, दैट्स इट, अल हिलाल यशा। ना हलाल है, ना अल हलाल है, ना अल हलाल है, ना हराम है। ये मेरा बड़ा सादा सिंपल सा नाम है, और जिसको समझ नहीं आ रही ना, वो लोग बहुत ही कोई, मैं कहता हूँ, कुंद जहन किस्म के लोग हैं, जिनका कोई दिमाग काम नहीं करता है, और जिन लोगों का आईक्यू बहुत थोड़ा ही है, जिनका दिमागों में पता नहीं भूसा भरा हुआ है, सिर्फ उन लोगों को मेरा नाम समझ नहीं आता। वही लोग गलत बोलते हैं, जो समझदार लोग हैं वो पहली बारी में कहते हैं अल हिलाल यशा, हाउ आर यू डूइंग। सो सोचते हैं कि यार ये वीडियो किस बारे में बनाई जाए। नीचे पहना हुआ कच्छा, यूट्यूब पे काम करने का और वीडियो बनाने का काम का मज़ा यही है कि सब कुछ ऊपर ऊपर से नजर आता है, नीचे क्या पाना है पता नहीं। मस्त, आजकल जितनी गर्मी है, हवा शवा सब लग रही है, मस्त मजा आ रहा है। मजेदार बात यह कि यार मैं जब भी सोचता हूँ ना कि मैंने उर्दू की वीडियो बनानी, पता नहीं क्या मेरे अंदर कोई अजीब सा सेंसर यार इस वीडियो में ना, एज सच मैं क्या बना रहा हूँ मुझे खुद भी मालूम नहीं है। सो जस्ट हॉप अलोंग एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी। कोई पानी शानी ले आओ, कोई स्नैक स्नैक, कोई इफ्तार शिफ्तार, कोई जो भी बनाया, पकोड़े, रोल, समोसे, कुछ भी खाओ बैठ के और वीडियो देखो यार। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वीडियो किस बारे में, इट्स जस्ट अबाउट मी, जस्ट ब्रोज हैविंग फन, गर्ल्स एंड इफ यू आर गर्ल एंड यू वी हैविंग फन, दैट्स इट, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। एनीवेज, ये मैंने एक ऐनक दिखानी थी यार, ये देखो ये ऐनक है, इट्स अ फीमेल बेसिकली, बट हु केयर्स, हाँ, आई थिंक इट लुक्स गुड ऑन मी, यू नो दैट्स व्हाई आई एक्चुअली वांटेड टू शो यू। व्हाट डू यू थिंक? Hey, what do you think, girl? Hey, by the way, I'm sorry, I'm married, and this glasses are actually of my wife, so took advantage of them. This is something that I want to talk about. हमारे पाकिस्तान में एक अजीब सा मसला है कि कोई कुछ काम हो या ना हो, अपना कोई मसला हो या ना हो, दूसरों की लाइफ में घुसना और उसमें टांग अड़ाना तो आम सी बात है। मतलब इस टाइम पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं, इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ इकरारुल हसन की दूसरी शादी के बारे में। फोकस, इकरारुल हसन ने दूसरी शादी कर ली है और हमारे पाकिस्तानी सारा ना दिमाग फट गया, सब पागल हो गए कि यार ये क्या दूसरी शादी इसने कर। यार अगर उसने दूसरी शादी कर भी ली है तो भाई तेरा क्या जा रहा है, तेरा क्या जा, क्या तू उसकी पहली बीवी है? पहली चीज, आवाम सारी जो पागल हो रही है। हियर्स द थिंग, हमारे इस्लाम में इजाज़त है चार शादियों की, और हर कोई कहता भाई चार शादियों की शादी की इजाज़त है तो यार तुम क्यों पागल हो रहे हो? भाई अलहलाल क्या, मैं क्या पागल हो रहा है यार? देख, चार शादियों की इजाज़त है ना, तो उसने कर ली है ना, तो भाई तुम्हारा क्या जा रहा है? तूने बिल देना उनका, तूने उनका खर्चा भरना है, मतलब मसला क्या भाई? लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू। कोई गलत काम कर रहे तो बोलो, है भी शादी करके वो अकेला उसके साथ डेटों पे फिर रहो किसी और लड़की के साथ, फिर आप बोले, फिर तो कोई नहीं बोलेगा। अगर उसने कोई सही काम कर लिया तो सब बोल रहे हैं, सब ने शोर मचा दिया है। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है यार हमारे पाकिस्तान में? क्या, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्यों? हम लोगों को और कोई काम नहीं रह गया, हम लोगों ने सिर्फ दूसरी लोगों की जिंदगियों में टांग अड़ानी है, दूसरों लोगों की जिंदगियों में घुसना है, फजूल में लोगों के ऊपर कमेंटबाजी करनी है। भाई पहली चीज, आप वो कमेंटेटर बिठाया है क्या लोगों की जिंदगियों के ऊपर कमेंट करने के लिए? या आप स्टेडियम में बैठे हुए, वो वाला माइक चिपक के जो मुंह पे लगा होता है, वो वाला माइक लेके बैठे हुए, और आपने कमेंट करना, हाँ भाई नाज़रीन इस टाइम पे शगुफ्ता जो है फलाने बंदे के साथ जा रही, और आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बंदा है ये ठीक, मतलब यार सीरियसली व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट? जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ। अपनी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है मेरी, यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली इस टाइम पे मेरी अपनी जिंदगी में इतना ज़्यादा टर्मोइल है, इतना ज़्यादा मिजरेबल लाइफ जा रही है। आई मीन आई कैन इवन, यार कमेंट की बात करते हैं भाई, अगर आप अच्छा कमेंट नहीं कर सकते ना तो आप कमेंट ना करें। पता नहीं यार आप लोगों को, ये ना ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सिर्फ बकवास करनी हो, जिनसे मसला ही बनाना हो ना, उन लोगों के लिए ना कमेंट का तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। पता है कमेंट करके उन्हें सिर्फ बकवास करनी है। और अगर आप देख रहे होंगे यार ये अलहलाल यूं कर, मेरी ना कमर थक चुकी है सीरियसली, और कोई ना पीछे टेक लगाने के लिए नहीं है, तकिए जो है ना सजावट के तौर पर रखे थे सामने ताकि खूबसूरत लगें, तो टेक लगाने वाला नहीं। और मसला ये कि अगर टेक लगूँ ना तो नीचे हमने कुछ पहना हुआ नहीं है, कच्चे वच्चे पहन के बैठे हुए हैं, ऊपर सिर्फ टी शर्ट है, तो
वीडियो को सेंसर नहीं करना चाह रहा ना. सो दिस इज द प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ. सो कमर जो है ना वो थक रही है यार. और इस टाइम पे हो रहे हैं 1:13 और 2:30 के करीब सहरी का टाइम शुरू हो जाता है, तो मैं रात के फुल लेट टाइम में जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ बैठ के. फिर सुबह टाइम शुरू हो जाएगा सहरी का, सहरी करो, रोज़ा रखो, और फिर पूरा दिन जो है ना आपका बस आपको पता कैसे गुजरता है, बड़ा मुश्किल गुजरता है, इफ्तारी का इंतज़ार रहता है. चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं और ट्विंग, लाल तो आज हमने शर्ट भी पहनी तो ट्विंग करके दबाएं और मुझे नहीं बटन को, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करना, अच्छे बुरे नहीं. पहले तो एक तो व्यूज़ आते नहीं हैं, ऊपर से कोई बकवास सा कमेंट कर दोगे तो फिर और काम खराब हो जाएगा. एक तो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी अजीब है, जहाँ पे कोई अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे कोई अच्छे लाइक्स आ रहे हो, तो उसी वीडियो को जो है ना वो ज़रा हवा देता है, सामने लाता है. तो अगर आप चाहते हैं यार मेरी वीडियो के लोगों को कोई देखें, कोई अच्छे अच्छे लोग हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, शेयर करें. हाँ, दैट इज़ अनदर थिंग, शेयर करें. सो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और कोई और टॉपिक के साथ. होपफुली वीडियो बन जाएगी जल्दी, अल्लाह करे, जो कि बाय द वे चांस तो होता नहीं यार लाल का. बहरहाल इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं वीडियोस बनाऊं. सो हेल्प मी अलॉन्ग, अगर वीडियो पे अच्छे लाइक्स आएंगे तो या इट विल मोटिवेट मी और मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा. बहरहाल सी यू सून. हाथ हिलाते हैं वो जो वो जैसे लोग कहते होते जब भी वो किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रैंक करने के बाद उसको फिर पीछे से आके कहते हैं प्रैंक होने के बाद वो ये तो वो कैमरा वो लगा हुआ सामने करके हाथ हिला दे, तो फिर बंदा यूं करता है.